ना मैं मर्द हूँ ना मैं औरत, ना मैं अच्छी हूँ ना मैं बुरी, मैं तो एक मासूम दिल की हूँ, मैं इज्जत और प्यार की भूखी हूँ। हमारी भारतीय समाज में, चाहे वेद पुराण में, हम किन्नर समाज को एक अलग रूप से देखते थे। किन्नर जो ना पुरुष और ना महिला, ये अलग लिंग का होती है। हम इनको लकी मानते हैं, दुआ आशीर्वाद लेते हैं, पर समाज में इसको इज्जत नहीं देते, इसको एक घर करके रखते हैं। वही किन्नर समाज से मैं जोयिता। बचपन में मेरा भी मन करते थे एक औरत की तरह चले रहे, लेकिन आप लोग की तरह मेरा भी घर में मम्मी पापा सोसाइटी सब कुछ है, सपने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिए, मुझके ऊपर रोप रहे मेरा जेंडर को। एक बार दुर्गा पूजा का टाइम पे, औरतियां सब सस्ती है, बंगाल में एक अच्छा फेस्टिवल होता है दुर्गा पूजा, मैं औरत फील करती हूँ, मैं भी गई ब्यूटी पार्लर में सजने के लिए। मेहंदी डाली, आईब्रो किए, बाल स्ट्रेट करी, बहुत मजा। इस बार पूजा एकदम मेरा, मैं एकदम बिंदास चले गया मेरा पूजा। लेकिन घर आई, मम्मी पापा इतना डांटी मुझको, इतना पिटाई किया मेरा, 4 दिन मैं बिस्तर पे सो गई, डॉक्टर के पास नहीं ले गई शर्म के कारण। मैं लड़का होके हाथ में मेहंदी डाली हूँ, कहाँ है मेरा जेंडर आइडेंटिटी? देन पढ़ाई करते स्टार्ट किए हम, कॉलेज में गई, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इतना मजाक, पढ़ाई भी छोड़ दी। तब जाके हम घर से निकल गए, मम्मी पापा को छोड़ के, समाज को बाय बोल के। हम एक छोटा सा शहर दिनाजपुर जो बंगाल में पड़ता है, बॉर्डरलाइन एरिया, उधर चले गए। जाते मेरा सर पे आसमान टूट पड़े, अपने कोई नहीं है, होटल में घर नहीं मिला मेरे को, फुटपाथ में रात गुजर दिए, बस स्टैंड पे रेलवे स्टेशन पे सो गए, दुकान में गए खाना मांगने के लिए, पैसा निकाल को मेरे को दे रहे, मेरे को दुआ करके जाओ, बैठने नहीं दी दुकान होटल पे खाने के लिए। साल 2009, तब हम सोचे मेरा अपना घर किन्नर घर जहाँ हम लोग का डेरा होती है, चले गए डेरे में, उन लोग से साथ काम करना स्टार्ट कर दिए जो मेरा काम है, बधाई में जाना, शादी हो या बच्चा हो घर में हम पहुँच जाते हैं भीख मांगने के लिए। उधर जाके हम पढ़ाई फिर से स्टार्ट किए, मुझे क्या पढ़ना है, आगे निकलना है। 2010 मैं खुद एक संस्था फॉर्मेशन किए, जो एक किन्नर समाज की अधिकार लेके काम करती है, काम करना स्टार्ट हुआ थोड़ा अच्छे। बहुत बार बीमार पड़ी, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किए, डॉक्टर दूर से देख के दवाई दे देते, चल जाओ खा लो ठीक हो जाएगी। पुलिस के पास जाती थी, FIR नहीं लिखते पुलिस, तुम लोग बदमाश हो, तुम लोग अलग हो, मत आना पुलिस स्टेशन पे, तुम लोग का कोई FIR नहीं होगी। हम फिर भी नहीं रोके, रुकने वालों से हम नहीं हैं, चलना है। लेकिन अचानक 14 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्स मिल गया, हम लोग के नया रोशनी आ गए, हम लोग भी लीगल है, हम लोग भी अदर्स में आ जाते हैं। ट्रांसजेंडर
तब मेरा हिम्मत और बढ़ गए। वो वर्डिक्स हमने बाइबल कुरान की तरह अपने अंदर कर लिए, ये मेरा सब जगह में दिखाएंगे, हम काम करेंगे। काम करते रहे संस्था के साथ, साथ में किन्नर समाज की। एक दिन अचानक मेरा मन ही आई, किन्नर समाज, भारत आजाद हुआ इतना साल हो गए, सच में अपने हाथ बुक पे हाथ रख के बोलो, औरत लोग क्या अभी तक स्वाधीन हुए हैं पूरे तरफ से? हम लोग तो किन्नर है, हम लोग को जाने कितना वक्त लगेगी। और समाज में महिला और पुरुष है, माता पिता के साथ बचपन में हंसी मजाक से चलते हैं, लेकिन जब बड़ी हो जाती है वो लोग, माता पिता का उम्र हो जाती है, बहुत लड़के और लड़की मम्मी पापा को भी घर में जगह नहीं देते हैं। जैसे मेरे हाल हुआ था, मेरा फैमिली मेरे को जगह नहीं दिए। मैं उन लोग के लिए काम करना स्टार्ट किए, काश ये सोच के, मेरा तो घर वाला कोई नहीं है, अगर ये लोग को रहेंगे तो ये लोग मेरा मम्मी पापा की तरह ही होगा ना। 2016 26 जनवरी रिपब्लिक डे, हम ओल्ड एज होम फॉर्मेशन किए, ये जहां ये लोग रहने का जगह बना दिए। काम करते करते आगे निकल जा रहे, क्योंकि तब मेरा पास लीगलिटी है, सरकार से एक सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्स मिला है, हम लोग लीगल है, सब तो हम लोग लीगल सोचते हैं। देन हम पहुंच गए रेड राइट एरिया में, जो मोहल्ला होती है, गंदी औरत लोग रहती है, बहुत लोग छुप छुप के जाते हैं उधर, सामने नहीं बोलते है कोई, लेकिन कोई एक बार जाके पूछे उन लोग से, आप लोग को क्या दिक्कत है, आप लोग को, आप लोग भी तो समाज से हो, आप लोग के पास क्या है लीगल डॉक्यूमेंट्स? हम किन्नर समाज जाने लगे, समाज बंद कर दिए, ये लोग, तुम लोग नहीं जाओ उधर, उधर बच्चे नहीं होते ऐसे। हम चले गए जाके 200 के ऊपर वोटर आधार बैंक अकाउंट बना दिए, ट्रांसजेंडर के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्मेशन किए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर काम करे। मैं, मेरा संस्था ये काम करते करते अचानक 2017 को 8 जुलाई आई एम अपॉइंटेड फर्स्ट ट्रांसजेंडर जज इन इंडिया, जो इंडिया का फर्स्ट टाइम मेरे को अचीवमेंट मिला है। मेरे को अभी ये सोचती हूं, मैं जिस शहर में मेरे को रहने के लिए जगह नहीं दिया, जहां मैं खाना नहीं मिला मेरे को, आज उस रास्ते से मेरे को सफेद कार से पुलिस कोर्ट के साथ मैं कोर्ट जा रही हूं, मेरे को बहुत अच्छा लगती है कि समाज, हम क्योंकि समाज थोड़ा जगह दी है मेरे को। लेकिन आप लोग से मेरा ये विनती निवेदन है, हम लोग भी समाज से है, चाहे समाज हमें माने और ना माने, पूरा इंडिया में आज तो 3-4 ट्रांस किन्नर समाज में, जिसके नाम हम सब जानते हैं, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी क्यों फेमस है, बिग बॉस खेलने गई थी, मानवी बंदोपाध्याय वेस्ट बंगाल की कृष्ण नगर वुमेन्स कॉलेज की प्रिंसिपल है, अभी मैं ज्योयिता यूट्यूब गूगल हर जगह आ रही हूं, बहुत सारा किन्नर है, अगर जगह मिले, प्लेटफॉर्म मिले, वो लोग भी एंकर बन सकता है, वो लोग भी डांसर बन सकता है, काफी की तरह कोई मूवी या कोई टेलीविजन पे आए तो वो लोग को मजाक से क्रिएट करते हैं, वो लोग को अगर वो लोग को ही ले ले तो वो लोग को भी कुछ पैसा भी मिलेगा, कुछ रिसोर्स भी आ जाएगा,
एक लड़का को सजा के वो लोग ड्रामा, वो लोग नाटक जो दिखाते हैं, ओवर एक्टिंग करते हैं। तो मैं सबके पास विनती कर रही हूँ कि आप लोग हम लोग को प्लेटफॉर्म दो, जगह दो। हम देखना चाहते हैं कि और जज बने, लॉयर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, किन्नर समाज से दो चार को तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि हम तो समाज से है। अभी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गए हम लोग, फर्स्ट को सब मिल रहा है, सेकंड को भी मिल रहा है, थर्ड को तो मिलना चाहिए। और लास्टली मैं ये बात बोलना चाहती हूँ, आमी जोईता, आमी आपनादेर मतन एक जन मानूष।